नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है डॉक्टर मकरंद दीक्षित और मैं प्रोपराइटर हूं रियल केयर स्मॉल एनिमल क्लिनिक नागपुर से। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि आप आपके डॉग्स की किस तरह से केयर करेंगे इन समर्स में। समर्स हमें मालूम है कि किस तरह से हार्श होते हैं अपने एरिया में, और इनमें कुछ अगर छोटी छोटी बातें हम याद रखें तो आपका समर का एक्सपीरियंस आपके पेट्स के साथ में, आपके स्पेशली डॉग्स के साथ में बहुत ही आनंददायी और एंजॉयबल रहेगा। सो इस वीडियो को अंत तक देखिए सो दैट हम जो आपसे चीजें शेयर कर रहे हैं वो आप आपके पेट पेरेंटिंग में इंक्लूड कर सके और आपको उसका फायदा हो। सो चलते हैं आज के टॉपिक की ओर। आज का टॉपिक है हाउ टू टेक केयर ऑफ योर पेट्स ड्यूरिंग दिस समर। समर्स में सबसे पहली चीज जो आपको ध्यान रखनी पड़ती है आपके पेट्स के लिए वो है डिहाइड्रेशन से उनको बचाना। अभी डिहाइड्रेशन क्या होता है? डिहाइड्रेशन बेसिकली ये होता है कि आपके पेट्स या किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म में जो पानी की मात्रा होती है बॉडी में उसको उसका कम हो जाना किसी खतरनाक लेवल तक, इसे कहते हैं डिहाइड्रेशन। सो डिहाइड्रेशन से आप आपके पेट्स को तभी बचा पाएंगे जब आपको मालूम होगा कि डिहाइड्रेशन के सिम्टम्स क्या होते हैं। सो बेसिकली डिहाइड्रेशन में क्या सिम्टम्स होते हैं? डिहाइड्रेशन के सिम्टम्स होते हैं सबसे पहले तो ड्रूलिंग ऑफ सलाइवा यानी एक्सेसिव लार गिरना, आपका पेट रेस्टलेस हो जाता है, आपका पेट खाना ठीक से नहीं खाता है, आपका पेट जो एक पर्टिकुलर पोजीशन दिखाता है जिसे पोस्चर कहते हैं उसे फोर पॉइंट पोस्चर कहते हैं, जैसे चारों हाथ और पैर वो एक साइड में रख के उसे थरथराहट होती है अगर एक्सेसिव डिहाइड्रेशन हो गया तो ये अगर आपको चीजें दिख रही है, आपके पेट की आंखें एक्सेसिवली लाल हो जाना, ये अगर आपको चीजें दिख रही है आपके पेट्स में या आपके ऑब्जर्व कर रहे हैं उनके बिहेवियर में, तो आप इमिडिएटली समझ जाइए कि आपके पेट को डिहाइड्रेशन हो रहा है। सो अभी क्या चीजें आपने कर सकते हैं घर में कि आपके पेट्स को डिहाइड्रेशन ना हो या डिहाइड्रेशन होने पे आप क्या कर सकते हैं? सबसे पहले तो आपके पेट को आपने कंट्रोल्ड एनवायरमेंटल टेम्परेचर देना है, यानी कि आपके पेट को आप घर के अंदर रखें, बाहर गर्मी में जहां पे गर्म हवा लू चल रही है उस जगह पे ना रखें। अगर आपके डॉग के लिए एक खास घर टाइप घर या कुछ बाहर बना हुआ है, शेड बना हुआ है, तो उसे कूलर या फैन या ठंडा रखने की आप जरूर इंतजाम करें। वहां पे एक चीज और ध्यान देने लायक होगी कि अगर आपके डॉग हाउस बना हुआ है तो डॉग हाउस में वेंटिलेशन की सुविधा होना अनिवार्य है। फ्रेश एयर हमेशा अंदर आनी चाहिए एंड स्टेल एयर हमेशा बाहर जानी चाहिए, और वो हवा जो अंदर है उसे ठंडा रखने की आपने कोशिश करनी चाहिए। डॉग अगर आपका घर के बाहर रहता है और अगर आप उसको घर के अंदर नहीं ले सकते किसी कारणवश, तो आप इतना तो सुनिश्चित हमेशा करना है कि उसे एक पर्टिकुलर शेड या अच्छी जगह मिले जहां वो लू से बच सके, ताकि उसको डिहाइड्रेशन का खतरा कम से कम हो। सेकेंड इंपॉर्टेंट चीज आपने जो ध्यान में रखनी है कि आपके पेट को, आपके डॉग को हमेशा दिन भर में 24 आवर्स क्लीन प्योर एंड ठंडा ड्रिंकिंग वाटर अवेलेबल होना चाहिए। अगर स्मॉल ब्रीड है या टॉय ब्रीड है तो उनको 2 से 3 लीटर दिन में पानी पीना अनिवार्य है। थोड़ा बड़ा ब्रीड है, अगर मिडल साइज ब्रीड है, तो 4 to 6 लीटर आप उनको पानी दिन में दे सकते हैं, और अगर जायंट ब्रीड है तो उन्होंने 8 से 9 लीटर पानी दिन में कंज्यूम करना चाहिए। ये उनकी हेल्थ के लिए ऑप्टिमली इम्पॉर्टेंट है, उनको डिहाइड्रेशन से बचाने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है। और हमेशा ध्यान रखें कि आप जो पानी उनको ऑफर कर रहे हैं उसका टेम्परेचर बहुत ज्यादा ना हो, वो नॉर्मल टेम्परेचर हो, या मटके का पानी दीजिए, कूलर का फ्रिज का पानी देने से बचे, फ्रिज का पानी या आइस देने से उनसे बचे। नेक्स्ट तो सेकेंड इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि जब आप अपने डॉग को घुमाने लेके जाते हैं या वॉक पर लेके जाते हैं या एक्सरसाइज देते हैं इन द मॉर्निंग एंड द इवनिंग टाइम, तो आपने ये ध्यान रखना है कि आप जो आपको पेट को एक्सरसाइज दे रहे हैं वो अर्ली मॉर्निंग एंड लेट इवनिंग को दें, जब एनवायरमेंट में ज्यादा गर्मी ना हो, इस टाइम पे आपने आपके पेट को एक्सरसाइज देना है। और एक चीज जो आपने ध्यान में रखना है डिहाइड्रेशन से बचने के लिए वो है कि आपने आप पेट को सिर्फ लिमिटेड एक्सरसाइज दे, ओवर एक्सर्शन उसका आपको टालना है, ताकि एक्सरसाइज करते वक्त बॉडी में से जो फ्लूइड लॉस होता है या उसको जो हीट तैयार होगी बॉडी में उसको ओवरकम करने के लिए बॉडी विल यूज मोर वाटर। सो ओवर एक्सर्शन आपके पेट का आपको अवॉइड करना है ड्यूरिंग समर टाइम। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज आपको जो ध्यान रखनी है कि आप जब अपने पेट को घुमाने लेके जाए या जब आपका पेट आपके घर पे बाहर भी हो दिन भर में, तो आपने ये केयर करना है कि आपके पेट को गर्म सरफेस पे, जैसे कि टार रोड्स है या टाइल्स है या फर्शी बेड जैसे अपने
काफी बार अपने आंगन में होती है, फर्शी होती है, उस पे गर्म चीजों पे या गर्म सरफेसेस पे ज्यादा ना चलना पड़े, बिकॉज उसकी वजह से ये हो सकता है कि उसके जो पॉज होते हैं वो डैमेज हो सकते हैं। उसके पॉज अगर डैमेज हो जाते हैं तो उसमें आपको दरारें दिख सकती है और वो दरारों से इन्फेक्शन अंदर जाके आगे, और वो इन्फेक्शन बढ़ सकता है और बड़ी तकलीफें खड़ी कर सकता है। सो आपने ये केयर लेना है। और अगर आपके डॉग के पॉज सेंसिटिव है तो आपने उनको प्रोटेक्ट करने के लिए भी एहतियात बरतना है, अपने केयर करना है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज है कि डिहाइड्रेशन के बारे में जो हमने अभी बात की वो आपने पूरी ध्यान में रखना चाहिए। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज है कि अगर आप आपके डॉग को लेके कहीं बाहर जाते हैं गाड़ी में, तो अपने डॉग को कभी भी पार्क व्हीकल में या पार्क कार में ना छोड़े। आपको थोड़ी सी खिड़की खोल के रखने से या गाड़ी का शीशा थोड़ा सा नीचा करके रखने से, गाड़ी के अंदर अगर डॉग आपने रखा है तो उसको बिल्कुल कोई सहायता नहीं होगी, कोई फायदा नहीं होगा। पार्क कार के अंदर टेम्परेचर बाहर के मुकाबले अंदर बहुत ज्यादा फास्ट तरीके से बढ़ता है, जिसे कि ग्रीन हाउस इफेक्ट कहते हैं। ग्रीन हाउस इफेक्ट के फिनोमिना की वजह से अंदर टेम्परेचर बहुत फास्ट बढ़ता है, ऑक्सीजन लेवल्स कम हो जाते हैं, आपके डॉग को सांस लेने में तकलीफ हो सकती है, एंड द कंडीशन कैन बी फेटल ऑल्सो। 5 मिनट के लिए भी आप अपने डॉग को पार्क कार के अंदर बिल्कुल नहीं छोड़िएगा, ये आपने पक्का ध्यान में रखना है। नेक्स्ट चीज आपने जो ध्यान में रखनी है कि अभी जो समर सीजन आ रहा है वो अपने साथ में टिक्स, फ्लीज, एक्टोपैरासाइट का इन्फेक्शन भी लेके आएगा। सो टिक कंट्रोल आपके पेट का आपको करना बहुत ही जरूरी है। टिक कंट्रोल करने के लिए आप अपने वेट से सलाह लीजिए। एंटी टिक के शैम्पू आते हैं मार्केट में, वो आप यूज कर सकते हैं। टिक कॉलर्स आप यूज कर सकते हैं प्रिवेंशन के लिए। बहुत सारी चीजें हैं जो आप कर सकते हैं, लेकिन आपके डॉग के लिए क्या बेस्ट है वो आप आपके वेट से पूछिए, ही विल बी द बेस्ट पर्सन टू टेल यू। एंड आप टिक की प्रिवेंशन के लिए हमेशा आपको सतर्क रहना है, और अगर थोड़ा सा भी टिक इन्फेक्शन आपको पता चलता है कि आपके डॉग्स पे है तो आप इमीडिएट अपने वेट्स की सलाह लें टू प्रिवेंट आगे का डैमेज। उसके बाद में द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है डाइट। सो डाइट में हमने डॉग्स को क्या देना है? सो बेसिकली डाइट्स जो समर के होते हैं उनमें ज्यादा अमाउंट ऑफ पानी, जैसे आप फल जो अगर दे रहे हैं पेट्स को, डॉग्स को, तो उसमें वाटर कंटेंट ज्यादा होने वाले फल, जैसे कि पपाया है, तरबूज है, खरबूज है, ये फल आप ज्यादा तरीके से ज्यादा मात्रा में उनको दे सकते हैं। और उनको आप थोड़ा सा हल्का दही या कर्ड इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं फूड में। डेफिनेटली आप पहले तो आप आपके वेट को डेफिनेटली ये पूछे, उनकी सलाह ले, उसके बाद में आपके डॉग फूड में फाइबर्स ज्यादा होने चाहिए, कार्बोहाइड्रेट्स एंड फैट्स कम होने चाहिए, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट्स एंड फैट्स जब बर्न होते हैं तो ज्यादा हीट तैयार करते हैं एंड उसको एनर्जी ज्यादा लगती है। सो डाइट में आपको ये खास विशेषताएं आपको ध्यान में रखनी है। पेट फूड आप दे सकते हैं, ऑल्सो डाइट उसको कब देना है, खाना कब देना है, वो भी जो टाइमिंग है, काफी बार अगर आपने देखा होगा कि आपके डॉग्स का समर में खाना खाने का टाइम बदल जाता है। सो बेसिकली आप आपके डॉग को अर्ली मॉर्निंग एंड लेट इवनिंग खाना दीजिए, ठंडे टाइम में, जिनमें जो ठंडा मौसम टाइम रहता है उस टाइम पे खाना आप ऑफर करेंगे, एंड दिन भर उसको पानी, फ्रेश क्लीन वाटर एंड ठंडा वाटर आप अगर रख देंगे तो उससे बेहतर और कुछ नहीं रहेगा। एंड लास्ट थिंग जो हम बात करेंगे कि अगर आपके घर के सामने आंगन है, आंगन में गार्डन या लॉन ऐसी कुछ चीजें हैं, तो उसका ट्रिमिंग करना आपको बहुत इम्पॉर्टेंट है। उसमें आप एंटी टिक का स्प्रे वगैरह करा सकते हैं, लेकिन इट शुड बी सेफ फॉर द पेट्स। एंड सबसे इम्पॉर्टेंट चीज जो हमने देखा है हमारे प्रैक्टिस में, वो ये है कि लोग कुछ गलत भावनाओं के साथ में अपने पेट को शेव करा देते हैं। लोगों को ऐसा लगता है कि अगर हेरी ब्रीड है तो उसको अगर शेव करा देंगे कंप्लीटली, उसको ये कर देंगे, शेव कर देंगे तो ही विल फील बेटर, उसको अच्छा लगेगा। लेकिन ये सबसे बड़ी गलती हो सकती है आपकी तरफ से, उसे कृपया ना करें। आप अपने डॉग को कभी भी पूरा शेव ना करें। हाँ, ट्रिमिंग ऑप्शन हो सकता है, आप आपके डॉग के हेयर ट्रिम जरूर करा सकते हैं। अगर लॉन्ग हेयर ब्रीड है तो ट्रिमिंग इज एन ऑप्शन, उससे उसको डेफिनेटली राहत मिलेगी। लेकिन शेव करने से उसकी स्किन जो है, जो सेंसिटिव स्किन है, वो सन रेज को एक्सपोज हो जाएगी, अल्ट्रावायलेट रेज को एक्सपोज हो जाएगी, और उसमें स्किन इन्फेक्शंस या स्किन इरिटेशंस या एलर्जीज या बाकी और कॉम्प्लिकेशंस होने की बहुत बहुत ज्यादा संभावनाएं रहेगी। सो प्लीज आप अपने पेट को शेव कभी ना कराएं। थैंक यू ये वीडियो देखने के लिए।
अगर आपके कोई भी क्वेरीज है, कोई भी समस्या है, तो हम आपसे आप हमको कांटेक्ट कर सकते हैं हमारे व्हाट्सएप नंबर पे जो आखिरी में दिया है। थैंक यू वंस अगेन। आपको अगर कोई भी और टॉपिक के बारे में वीडियोस चाहिए, कोई सजेशंस हो, तो आप जरूर कमेंट बॉक्स में लिखिए। ये वीडियो अगर आपको पसंद आया तो इसे जरूर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।